Hey guys, अगर इतने महीनों में आपने मेरी क्रश को इंप्रेस करने वाली वीडियोस देखने के बाद भी अपने क्रश को इंप्रेस नहीं किया है तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इस वाली को देख के तो कर ही लोगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर अगली वाली को देख के करना, ऐसे ही तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो बड़े दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस की सीरीज में आखिरी पिक्चर तो होने वाली है, लेकिन जितना दुख और दर्द है उतना ही एक्साइटमेंट भी है। ये मूवी रिलीज होगी इंडिया में 5 मई को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में, एंड बाकी की मार्वल मूवीज की तरह इसके अभी तक 1,000,00,000 करोड़ टीवी स्पॉट्स और क्लिप्स रिलीज हो चुके हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे। देखो, इट गोज विदाउट सेइंग कि इस वीडियो में मैं इस मूवी को देखने से पहले जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि मैंने जितने भी ट्रेलर ब्रेकडाउन्स वगैरह करे हुए हैं उस पर जितने भी वीडियोस बना रखे हैं वो आपको देख लेना चाहिए। बट मैं आपको जानता हूं, मेरे भाई लोगों, आप लोगों नहीं देखने वाले, तो फिर भी एक छोटा मोटा ब्रीफ दे दूंगा। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हमको देखने वाले हैं उनके बारे में तो हम सब बात कर ही चुके हैं, तो जो नए नए कैरेक्टर्स हैं उन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो गार्डियंस की बेसिक टीम है वो तो वैसी की वैसी होने वाली है, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, गमोरा, रॉकेट, नेबुला और हमारा ग्रूट। लेकिन ना, इस बार जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब एक डार्क पाथ के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी मूवी पुरानी गार्डियंस मूवीज से काफी ज्यादा डार्क टोन को फॉलो करने वाली है, और ना जो हमें पुरानी गार्डियंस की मूवीज में फनी और लाइट सी चीज देखने को मिली थी वो इस पिक्चर से एक्सपेक्ट मत करना। इनफैक्ट इस चीज को जेम्स गन ने खुद बोला कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टर जेम्स गन ने इस बात को खुद बोला है कि जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 फादर्स के ऊपर थी, 1 मदर्स के ऊपर थी, वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो है वो खुद के ऊपर होने वाली है, मतलब फाइंडिंग वन सेल्फ। और जिंदगी में ना सबसे ज्यादा कठिन जर्नी वही होती है जब इंसान खुद को ढूंढने निकलता है। You don't know what you're gonna find. खैर, तो इस मूवी के ट्रेलर से हम काफी सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये मूवी एक्चुअली में किस चीज के ऊपर बेस्ड होने वाली है। हमको इस पिक्चर में रॉकेट की कहानी देखने को मिलेगी। हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 से रॉकेट की बैक स्टोरी थोड़ी बहुत टीज करी गई थी कि वो कहां से आया है, कैसे क्रिएट किया गया है, लेकिन इस पिक्चर में हमको उसकी फुल फ्लेज्ड बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। बेसिकली कॉमिक बुक्स में इसको हाफ वर्ल्ड नाम की एक जगह पर क्रिएट किया जाता है, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जहां पर साइंटिस्ट जानवरों को इंसानों की तरह सेंटेंट बींग्स बनाने के कैपेबल हो जाते हैं, और इसी वजह से रॉकेट भी जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन यहां पर भी जेम्स गन भाई साहब ने अपना जीनियस दिमाग चला करके कॉमिक बुक्स की दो अलग अलग चीजों को कंबाइन किया है और कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप का बना दिया है। बेसिकली इस मूवी का जो विलन है वो हाफ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको हाफ वर्ल्ड का बना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ हाई एवोल्यूशनरी की, जो हमको गार्डियंस वॉल्यूम 3 में एज अ विलन देखने को मिलेगा। तो कॉमिक बुक्स में हाई एवोल्यूशनरी बेसिकली हर्बर्ट विंडम नाम का एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत ही खतरनाक टाइप का शौक होता है। तो वो क्या करता है कि अपने खुद के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि वो अर्थ पे रह नहीं सकता, तो इसी वजह से वो काउंटर अर्थ नाम की एक अलग अर्थ क्रिएट करता है और वहां पे अपने सारे के सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स लेके पहुंच जाता है। अब एक काउंटर अर्थ पूरी तरह से अर्थ के जैसी नजर आती है, बस अर्थ के ऑपोजिट होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में अर्थ सन के आसपास घूमती है तो ये उसके ऑपोजिट घूमती है। हालांकि इसका पर्पज अच्छा होता है कि एक ऐसी अर्थ क्रिएट करना चाहता है जहां पर कोई करप्शन नहीं होता, जहां पर कोई भी गंदगी नहीं होती, जहां पर कोई भी बुराई होती है, और ये काफी टाइम तक कर भी लेता है, लेकिन फिर वहां पर धीरे धीरे करके बुराई का जन्म होने लगता है। तो फिर इसको सहारा लेना पड़ता है एडम वॉरलॉक का, जो इस काउंटर अर्थ पे आता है, हाई एवोल्यूशनरी की मदद करता है, एंड फिर ये दोनों दोस्त टाइप के बन जाते हैं। अभी आपको कहानी ऐसा लग रहा होगा कि भाई हाई एवोल्यूशनरी भी विलन नहीं है, एडम वॉरलॉक भी विलन नहीं है, तो टेक्निकली कॉमिक बुक्स में हाँ ये दोनों कैरेक्टर्स पूरे नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि हम एमसीयू में हैं और यहां पर कैरेक्टर्स पे अपना खुद का टेक लिया जाता है, और हमको गार्डियंस का सामना करने के लिए विलन्स की भी जरूरत है, काउंटर अर्थ पे भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेने की जरूरत है, तो यहां पर हाफ वर्ल्ड भी कुछ अलग है, काउंटर अर्थ भी कुछ अलग है, हाई एवोल्यूशनरी पे भी एक डिफरेंट टेक लिया गया है, और एडम वॉरलॉक पे भी। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको गार्डियंस 3 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि हाई एवोल्यूशनरी ने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रॉकेट का क्रिएशन किया है काउंटर अर्थ पे, एंड ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है, क्योंकि हमने ट्रेलर्स में लिटरली देखा है रॉकेट को टॉर्चर होते हुए, फिर हम पीटर को भी कुछ सीक्वेंसेस में देख रहे हैं, शायद यहां पर भी हाई एवोल्यूशनरी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, और बहुत बहुत दर्दनाक सीक्वेंसेस हैं ये, एंड प्रोबेबली रॉकेट के इसी पास्ट का सामना करने के लिए गार्डियंस उसके पास जाएंगे, लेकिन फिर उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये एक नंबर का लसन इंसान है। लेकिन इसके बाद आता है पिक्चर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एंड दैट इज एडम वॉरलॉक। अब
कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेलते हुए एडम वॉरलॉक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो मोस्टली सोल स्टोन से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने गार्डियंस वॉल्यूम 2 देखी है तो आपको पता होगा कि इसको क्रिएट करने वाले और कोई नहीं बल्कि हाई सोवरेन वाली आयशा है और ये अपने कुकून से बाहर निकलेगा एंड जेम्स गन के अकॉर्डिंगली और कुछ भी नहीं बल्कि एक नवजात शिशु होने वाला है, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी, विच मीन्स कि इसको जो बताया जाएगा ये बस वही करेगा। अच्छे बुरे का इसको कोई भी आइडिया नहीं है जिस वजह से सीधे आके गार्डियंस पे अटैक करने वाला है एंड अगर इसका पावर स्केल कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंगली दिखाया गया है तो गार्डियंस बहुत बड़े खतरे में है। ट्रेलर से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि बहुत गंदे पिल रहे हैं। ड्रैक्स उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है तो ड्रैक्स को मार रहा है, ग्रूट उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है तो ग्रूट को मार रहा है। इसका रोल प्ले करने वाले विल पोल्टर, जिनको हम ऑल थ्रू आउट हॉलीवुड अलग अलग टाइप के लसनमैटिक रोल्स में देखते आ रहे हैं, इस रोल के लिए उन्होंने अच्छी खासी बॉडी वॉडी बनाई है एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड। और जहां तक मुझे लगता है तो यहां पर इनका रोल खत्म नहीं होने वाला है। एडम वॉरलॉक को अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो आगे भी कई सारी मूवीज पे दिखने वाले हैं। एडम वॉरलॉक एक्चुअली कॉमिक बुक्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड जहां तक मुझे लगता है तो ही इज गोइंग नोवेयर। फिर इसके बाद बात करें इस मूवी की फर्दर एमसीयू से कनेक्टिविटी की, तो जहां तक मुझे लगता है तो ये मार्वल की मल्टीवर्सल सागा में बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली है। जेम्स गन ने इस मूवी को गार्डियंस की ट्रिलॉजी खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है और जहां तक हम लोगों ने इसके ट्रेलर्स देखे हैं सब कुछ देखा तो इसमें मल्टीवर्सल सागा का कुछ भी नहीं है, ये बस गार्डियंस के चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी। इसका मतलब ये है कि इस मूवी में अपीयर होने वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स हमको शायद एमसीयू में दोबारा कभी देखने को ना मिले। प्रोबेबली स्टार लॉर्ड ड्रैक्स, मतलब डेव बैटिस्टा ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये उनकी एज ड्रैक्स लास्ट अपीयरेंस है क्योंकि उनका ड्रैक्स को पोर्ट्रे करना उनके ऊपर एक फिजिकली बहुत बड़ा टोल ले लेता है क्योंकि वो बॉडी वॉडी मेंटेन करके रखनी पड़ती है तो वो नहीं करना चाहते ये चीज। फिर इसके बाद जितना हम रॉकेट को रॉकेट रकून की तरह देख रहे हैं इस पिक्चर में तो उनके भी मरने के बहुत हाई चांस लग रहे हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि वो इस पिक्चर में मरने वाले हैं एंड ब्रैडली कूपर क्योंकि एक सीजीआई कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो ही कैन डू इट फॉरएवर। फिर मुझे लगता है कि ग्रूट भी कहीं नहीं जाने वाला तो रॉकेट और ग्रूट मोस्ट प्रोबेबली सेफ है। तो जहां तक मुझे लगता है तो शायद स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत बड़े खतरे में होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट मूवी होगी क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम ऐसी है जो बार बार चेंज होती रहती है, मतलब इंटरचेंजेबल है। जैसे कई बार नोवा इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है, आयरन मैन इनकी टीम को ज्वाइन कर चुका है और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो हु नोज में भी आगे जाकर हमको मार्वल के दूसरे कैरेक्टर्स गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड देन दे विल बिकम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। प्लस अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करोगे तो अभी तक हम लोगों ने एमसीयू की स्पेस वाली साइड और कॉस्मिक साइड को तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी नहीं किया है। लाइक गैलेक्टर, सिल्वर सर्फर, नोवा, हाइपेरियन, केसार, ये सारे तो अभी तक अपीयर होने शुरू भी नहीं हुए हैं। तो मतलब अभी पोटेंशियल बहुत सारा है और इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया भी नहीं है, तो धीरे धीरे करेंगे तो होता जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मोस्ट प्रोबेबली जेम्स गन की मार्वल में लास्ट मूवी है, सो जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ सेकंड। मतलब हम इस पिक्चर में बहुत सारे लास्ट देखने वाले हैं, बहुत सारे लास्ट। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि इस मूवी को देखने से पहले आपको मार्वल की कौन कौन सी मूवीज देखना जरूरी है तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, फिर थॉर लव एंड थंडर। ऑल्दो गार्डियंस उसमें बहुत ही छोटे से पार्ट के लिए थे और अगर आप चाहें तो अपनी हेल्थ की सेफ्टी के लिए उसको अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल नाम का एक 30-40 मिनट का स्पेशल है, उसको मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो यहां पर मैं थोड़े से स्पॉइलर दे देता हूं। तो जैसे उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, सबसे पहले तो उसमें कॉस्मो द स्पेस डॉग नाम का एक डॉग बताया गया है जो इस मूवी में अपीयर होगा। ये बेसिकली एक टेलीपैथिक डॉग है जो टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट और टॉक कर सकती है। फिर इसके बाद इसमें हमको पता लगता है कि नेबुला ने रॉकेट को बकी की जो वाइब्रेनियम वाली मेटल आर्म है वो गिफ्ट कर दी है जो इन्फिनिटी वॉर में वो उससे डिमांड कर रहा था पता नहीं कैसे, एंड नेबुला के पास एक नई मेटल आर्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, तो प्रोबेबली रॉकेट ने उसके बदले में नेबुला को भी एक आर्म दी होगी। एंड देन इसी हॉलीडे स्पेशल में एक और काफी बड़ा रिवील किया गया था कि पीटर क्विल और मैंटिस हाफ ब्रदर एंड सिस्टर है, मतलब ईगो पापा जी जो थे वो काफी रंगीन मिजाज के थे, ये तो हमको बताइए। खैर तो कुल मिला के 5 मई को रिलीज होने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ और काइंड ऑफ दुखी भी, इसीलिए नहीं क्योंकि आगे मार्वल में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी, इसीलिए क्योंकि ये गार्डियन सीरीज की आखिरी पिक्चर होने वाली है। इसमें प्रोबेबली हम स्टार लॉर्ड को आखिरी बार स्टार लॉर्ड बनते हुए देखेंगे, ड्रैक्स को प्रोबेबली आखिरी बार ड्रैक्स बनते हुए देखेंगे और पता नहीं कितने कैरेक्टर्स को आखिरी बार वो सारे कैरेक्टर्स बनते हुए। इट इज काइंड ऑफ सैड। और ये सारे के सारे ट्रेलर हम सबसे चीख चीख के वो सारी बातें बार बार बोल रहे हैं, तो है मन में वो सारी बातें हैं। सो फॉर वन लास्ट टाइम, अगर
वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमिक वर्स पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे, मिलते हैं रिव्यू के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। जो बन बन जो अपन We scream out in the red, 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 the